सीरिया में बशर अल असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत होने का दावा किया जा रहा है। विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति बशर के परिवार समेत देश छोड़कर भागने की खबरें हैं। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क समेत प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। सीरिया बीते 13 वर्षों से गृह युद्ध में फंसा हुआ था और अब बशर सरकार के पतन के बाद इसका गृह युद्ध समाप्त होने की बजाय और बढ़ने की आशंका है। सीरिया में हुए इस सत्ता परिवर्तन का इसराइल पर भी गहरा असर होगा और इसराइल की सरकार भी इस खतरे से वाकिफ है। सीरिया में साल 2016 के बाद गृह युद्ध धीमा पड़ गया था, लेकिन बीते हफ्ते प्रमुख विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने अन्य विद्रोही गुटों के साथ मिलकर अलप्पो, इदलिब और होम्स शहरों पर तेज हमले शुरू कर दिए और आखिरकार इन पर कब्जा कर लिया। अब विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है और सीरिया की सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि सीरिया से बशर अल असद सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है। कट्टरपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम ने पिछले हफ्ते सीरिया में अचानक और सफल आक्रमण करके चौंका दिया। हयात तहरीर अल शाम या HTS लंबे समय से देश का सबसे मजबूत विद्रोही गुट माना जाता रहा है। इन विद्रोहियों ने 27 नवंबर को अचानक अलप्पो के उत्तर और उत्तर पश्चिम के इलाकों से हमला किया। वहीं 29-30 नवंबर को वो शहर में घुस आए और सेना को वहां से खदेड़ दिया। HTS के हजारों लड़ाकों ने अलप्पो के बाद कई अन्य प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिए। इस तरह सिर्फ 12 दिन में बीते 13 साल से चल रही लड़ाई का अंत हो गया। साल 2016 में असद सरकार के खिलाफ अरब प्रिंस विद्रोह से शुरू हुए इस गृह युद्ध में करीब 5,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह युद्ध से 2.3 करोड़ की आबादी वाले देश से करीब 68,00,000 लोगों को अपने घरों से मजबूरन बेघर होना पड़ा और लाखों लोग विदेशों में शरणार्थी बन गए। सीरिया सरकार को रूस के साथ ही ईरान और हिजबुल्ला का भी समर्थन था, जिसकी वजह से बशर सरकार का सीरिया पर मजबूत कब्जा था। लेकिन अब इसराइल के साथ लड़ाई में हिजबुल्ला को बड़ा झटका लगा है। वहीं साल 2016 में बशर सरकार की मदद के लिए अपने लड़ाकू विमानों को सीरिया में तैनात करने वाला रूस भी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। ईरान भी इसराइल के साथ तनाव में उलझा हुआ है, जिससे बशर सरकार कमजोर हुई और इस मौके का फायदा उठाकर विद्रोहियों ने सीरिया में हमले तेज कर दिए। बशर अल असद ने बीते दिनों अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था। इस हमले की शुरुआत हयात तहरीर अल शाम ने की थी। हयात तहरीर अल शाम का अर्थ है ग्रेटर सीरिया की मुक्ति के लिए आंदोलन। अबू मोहम्मद अल गोलानी के नेतृत्व वाला HTS लंबे समय से इदलिब में प्रमुख ताकत रहा है। तहरीर अल शाम को पहले जबात नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि HTS को अलकायदा ने बनाया था, जिससे कि यह सीरिया के गृह युद्ध खत्म होने के बाद वहां की स्थिति का फायदा उठा सके। यह जल्द ही अपने मकसद में कामयाब भी हो गया और इसने विद्रोही हमलों के साथ साथ सेना और अन्य दुश्मनों के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोट किए। लेकिन यह समूह धीरे धीरे सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट का कट्टर दुश्मन बन गया और अंततः 2016 में अलकायदा से भी अलग हो गया। अमेरिका, रूस, तुर्की और अन्य देशों ने तहरीर अल शाम को आतंकवादी समूह घोषित किया है। इसका नेता 42 वर्षीय अहमद हुसैन अल शरा है, जिसे अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से भी जाना जाता है। गोलानी का जन्म सीरिया में हुआ था। 1967 के युद्ध के बाद जब इसराइल का गोलान हाइट्स पर नियंत्रण हुआ तो इसका परिवार यहाँ से चला गया। गोलानी को साल 2006 में हजारों अन्य विद्रोहियों के साथ हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उसे 5 साल तक अमेरिका और इराकी जेलों में कैद रखा गया। अबू मोहम्मद अल गोलानी को 2011 में रिहा किया गया और इसके बाद यह अलकायदा का नेतृत्व करने के लिए सीरिया लौट आया। सीरिया में विद्रोही गुटों के सत्ता पर काबिज होने के बाद अब सीरिया में गृह युद्ध की आशंका है। इसकी वजह यह है कि बशर अल असद सरकार को रूस का समर्थन था, वहीं विद्रोही गुटों का समर्थन अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। इस तरह सीरिया में रूस और अमेरिका का दखल आगे भी बने रहने की आशंका है। साथ ही सीरिया में खूंखार आतंकी संगठन ISIS की भी मौजूदगी है। ऐसे में बदले हालात में ISIS भी अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। ईरान और तुर्की के भी सीरिया में हित हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि सीरिया में हालात सामान्य होने की उम्मीद फिलहाल कम ही है। इसराइल पहले ही हमास और हिजबुल्ला के मोर्चों पर लड़ाई में उलझा हुआ है। अब सीरिया के बदले हालात ने इसराइल की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि इसराइल और सीरिया की सीमा गोलान हाइट्स पर सशस्त्र बलों ने संयुक्त राष्ट्र की पर्यवेक्षक सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल को डर है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद गोलान हाइट्स की तरफ से भी इसराइल पर हमले हो सकते हैं। इसराइली सेना हालात पर नजर बनाए हुए है।
सीरिया में जारी गृह युद्ध असल में पूरे पश्चिम एशिया पर दबदबा बनाने की राजनीति का हिस्सा है। सीरिया की सीमा इराक, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और इसराइल जैसे देशों से लगती है। सीरिया पर दबदबे का मतलब है कि पश्चिम एशिया के अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच मिल सकती है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया पर दबाव डाला जा सकता है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के सत्ता से हटने का सबसे ज्यादा असर रूस पर होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में सीरिया ही रूस का सबसे भरोसेमंद साथी था। वहीं विद्रोही गुट को अमेरिका का समर्थन है। सीरिया गृह युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी उछाल आने की आशंका है, जिसका असर भारत पर भी होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।